लालकुआ में कोविड 19 वैक्सीन के टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए तैयार की गई कोविड 19 वैक्सीन के टीकाकरण का ड्राई रन आज प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम चरण में 25 आशा वर्करों का टीकाकरण किया गया, जिससे ड्राई रन टीकाकरण का प्रयोग सफल रहा। हालांकि एक स्वास्थ्य कर्मी को टीका लगने के बाद स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय हल्द्वानी भेजा गया। मैं ठीक हूँ, इस टाइम कोई परेशानी नहीं है और सभी चीज़ का बंदोबस्त कर रखा है। जैसे अंदर जाते हैं हमारा नाम लिखते हैं, वो आईडी कार्ड देते हैं और पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं। सैनिटाइजर हो रहा है और आगे को बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी सैनिटाइजर हो रहा है। जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है अंदर, जहाँ पर टीका लग रहा है वहाँ पर भी जो टीका लगाने वाली दीदी हमारी बहुत अच्छी है और अच्छे से लगा रहे हैं। और उसके बाद में फिर दूसरे कमरे में जाना है, वहाँ पर भी अपने हाथ वगैरह सैनिटाइजर धो रहे हैं, वहाँ पर भी तो लोग हमारी केयर अच्छी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कहीं आपको कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है। और ये भी पूछ रहे हैं कि कहीं चक्कर आना या उल्टी होना या पेट में दर्द, खुजली वगैरह, जलन और बाकी सब सुविधाएँ अच्छी है। आपकी रिपोर्ट आ गई? अब जब इंजेक्शन लग रहा है तो मतलब खुद को पहचान है। आधा घंटा हम उनके साथ डॉक्टर के साथ बैठे हैं और हमें कोई महसूस नहीं है कि ऐसा कोई प्रभाव पड़ रहा है इंजेक्शन से। तो इस सफल ही है, लगा लीजिए। फिर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अगर होने वाला होता तो हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि रक्तदान का आयोजन यहाँ पर किया गया है, उसमें हमारे पास 25 लाभार्थियों को टीकाकरण किया जा रहा है। उसमें से अभी लगभग हमारे 20 लोगों को यहाँ पर टीकाकरण हो चुका है, शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। एक पेशेंट है जिसको कुछ दिक्कत हो रही थी, उसको हमने बेस चिकित्सालय हल्द्वानी के लिए रिफर किया गया है और वहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया गया और वहाँ पर वो उनका तैयार है। तो यहाँ से हमने उनको प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्थाएँ बिल्कुल सही हैं और दूसरी व्यवस्थाएँ की गई हैं और किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हो रही है और शांतिपूर्ण सारा कार्यक्रम सम्पन्न है। जाएगा अभी देखना चाह रहे हैं कि हमारी तैयारियाँ कैसी हैं और हमें हमारे क्या क्या लूज पोल हैं उन चीज़ों को भरने के लिए हम ये चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर 28 दिन के बाद इनको दोबारा टीकाकरण किया जा रहा जाएगा। दो टीके लगने हैं इनको और उनके पास मोबाइल में मैसेज आएंगे, मैसेज के बाद ही ये सारी प्रक्रिया सम्पन्न होगी। ये जिले आज यहाँ रखा गया है जिसमें हम उसकी जो भी तैयारियाँ हैं, व्यवस्था कैसे होनी है और उसका पूरा यहाँ पर रूपांतरण किया जा रहा है। पहले वैक्सीन की हमारा आज ट्रायल है वो आशा वर्कर के लिए है, जिसमें हम लोगों ने अपना ये ट्रायल किया है यहाँ पर और जो रूपांतरण है ये इसमें पूरी व्यवस्था जाती जा रही है कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी और आने वाली लोग कोई जो होता है उनके लिए हमारा अलर्टनेस क्या होगा, इसके लिए पूरा ट्रायल किया जा रहा है। मैडम अभी तक आज यहाँ हमारा 25 का लक्ष्य है, 25 लोगों के यहाँ वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिनमें से अब तक 10 लोग अंदर जा चुके हैं बूथ में हमारे और 7 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। आज हमारा 25 के लिए जो हमारा ट्रायल है वो 25 लोगों के लिए है और उसमें वैक्सीन यहाँ उपलब्ध कराई गई है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। जिसमें उनको हल्की जलन हुई थी और जिसे मौके पे जो हमारे पास यहाँ मेडिसिन उपलब्ध थी उनके लिए जो प्रॉपर होनी चाहिए उनको प्रयोग करके उसको ठीक किया जा चुका है। फाइनली कब तक?